तरीके से इलेक्शन की जो बयार है वो बहनी भी शुरू हो गई है। क्या आज के लिए महज ये संयोग कि आज ही कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से जाता है कि एक बार फिर गहलोत और वो ट्रेंड होता है और साथ में ये घोषणा होती है? देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर अभी लोग पहुंच रहे हैं, सुरेश मोदी अपनी पूरी फैमिली के साथ पहुंचे धन्यवाद देने के लिए और लगातार धन्यवाद का सिलसिला चल रहा है। देखिए, ये पूरा प्लान था। आपको एक और बहुत रोचक किस्सा यहाँ बता दें कि दरअसल बीच में एक खबर आई थी कि जो जिलों की कमेटी है उसका कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तो जब इसको डिकोड करने की कोशिश की गई तो अखबारों में, विधायकों में ये बात आई कि एक बार तो टेंशन हुई और एक बार ठंडी सांस आई कि चलो ठीक है, ना तुम्हारा बन रहा है ना हमारा बन रहा है और जिले किसी के बन ही नहीं रहे, क्योंकि विधायकों को ये ज्यादा थी कि ज्यादा इशू था कि उसका बन जाए और मेरा नहीं बने। इसको लेकर बहुत तोड़ मुख्यमंत्री क्या लगातार थी, रिक्वेस्ट थी, नाराजगी थी, धमकी थी। ऐसे में एक समय ऐसा आया जब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लीक होने लगा कि जिले बन रहे हैं और जिलों की लिस्ट 5-7 नाम और खुद योगेश जी आपके पास भी कई नाम आए थे और फर्स्ट इंडिया ने कई बार चलाया था कि जिले बनेंगे। उस समय ये कहा गया कि कमिटी का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, ये नहीं कहा गया कि रिपोर्ट आ गई है या नहीं आई है, कमिटी का टेन्योर बढ़ा दिया गया है, जिससे कि इसमें मैं जोड़ूंगा राजेंद्र यादव ने पद छोड़ने की धमकी दी जी, कि मंत्री रघु शर्मा नाराज हो गए सीएम से, बिल्कुल, और रघु शर्मा की सचिन पायलट से गलबहियां दिखने लग गई, बिल्कुल, उधर मदन प्रजापत रायपुर तक नंगे पैर चले गए, बिल्कुल, कांग्रेस के अधिवेशन भाग लेने, उधर कांग्रेस के निमका थाना से हजारों लोग आ गए, बहुत, बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री के सदैव चहेते हैं, वो अपना पॉलिटिकल गॉडफादर मानते हैं, पिता भी मानते हैं उनको राजनीतिक तौर पर। तो एक तरह से कहा जाए तो अदिति यहाँ पर मुझे लगता है अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने किए। और सबसे बड़ी बात है, जब जब ऐसा लग रहा होता है, अभी दिल्ली में इतना हंगामा है, राहुल गांधी के बयान पे इतना हंगामा है कि एक बार फिर ये बात उठने लगी कि कांग्रेस तो अब हर जगह से खत्म होने वाली है, जब जब ऐसा होता है अशोक गहलोत फिर तारनार की तरह उठते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं। उससे बड़ी बात है कि जब आज विजेंद्र, हम, मैं और योगेश जी जब वहां पर मौजूद थे विधानसभा के अंदर में, तो अशोक गहलोत का स्टाइल है, उन्होंने पानी पिया और कहा कि यह आखिरी के 5 मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे सब ध्यान से सुने। मैं सामने जब हम पत्रकार लॉबी में बैठे थे तो जैसे ही मुख्यमंत्री के मुंह से निकला कि भाई मैंने ये कहा था कि जो मांगोगे, जितना तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, पर मेरे विधायकों ने तो जिले की मांग कर डाली, जिला शब्द आते ही मेरी नजर घूमी और खुद योगेश जी आपकी भी, कि जो विधायक उस कतार में थे जिले मांगने की, उनके चेहरे पर एक बत्ती भी जल गई और ये लगा कि क्या मेरा नाम होगा कि नहीं होगा, जैसे उन्होंने किलोमीटर्स की बात की और वो चेहरे उस समय देखने लायक थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ऐसे में फिर जब अशोक गहलोत ने घोषणा की उसके बाद लगातार वहां पर नारेबाजी हुई, यहां तक कि बीजेपी के विधायकों ने भी तस्वीरें दिखा देते हैं ना, क्योंकि जब घोषणा हो गई थी उसके बाद किस तरीके से मुख्यमंत्री को घेर लिया था। अब इनमें से ढूंढते रहिए कौन से बीजेपी के हैं, कौन से कांग्रेस के हैं, कौन से निर्दलीय हैं, क्योंकि सब हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री की तरह मुस्कुराहट से कह रहे थे कि शुक्रिया, शायद आपने 2023 के चुनाव में हमें संजीवनी दे दी, क्योंकि हम मांगते तो क्या कहते। अदिति, अब राजनीतिक बात भी एक बड़ी महत्वपूर्ण है जिसे करना पड़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि सचिन पायलट बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, जिस कम्युनिटी से आते हैं, इन जिलों के घोषणाओं में उस कम्युनिटी को बहुत लाभ हुआ है। डीग, चाहे हम डीग की बात कर ले, चाहे हम गंगापुर सिटी की बात कर ले, चाहे हम केकड़ी की बात कर ले, चाहे हम शाहपुरा की बात कर ले, चाहे हम ब्यावर की बात कर ले, चाहे हम नीमका थाना की बात कर ले, तो चाहे हम जयपुर को जो ग्रामीण बनाया है चाहे हम उसकी बात कर ले, चाहे कोटपूतली की बात, यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार, कहीं पर 35 हज़ार, कहीं पर 50 हज़ार तक गुजर मतदाता हैं, और वो एक तरह से कहा जाए इस पूरे जिले की घोषणा से सीधा लाभ उनको होगा। तो एक राजनीतिक दाव भी है जो जाति के हिसाब से ये लगता है। लेकिन योगेश जी, तस्वीर हम दिखा रहे हैं, दिवाली आई है, ये बालोतरा के अंदर दिवाली आई है, बालोतरा की मांग काफी लंबे वक्त से की जा रही थी, लेकिन अब वहां दिवाली आती हुई नजर आ रही है, पटाखे चल रहे हैं, आसमान के अंदर रोशनी दिखाई दे रही है, और कुछ ऐसा ही हाल केकड़ी का भी है, क्योंकि केकड़ी को लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं थी, मांग भी अचानक से रघु शर्मा ने क्रिएट की, लेकिन मानो की मांग को मान लिया गया, और उसके बाद होली भी आई है, दिवाली भी आई है, खुशियां लेकर आई है। जरा देखिए किस तरीके से एक दूसरे को रंग दिया गया है, पटाखे फोड़े गए हैं, आसमान के अंदर आतिशबाजी नजर आई है।